आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉकटेल असीम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो क्योंकि आप जानते हैं ये मेरा चैनल, मैंने नाम दिया है कॉकटेल चैनल, तो इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। कुछ गाने भी दे रहा हूँ, कुछ अपनी दिनचर्या भी दे रहा हूँ, मेरा जो रूटीन दिन का है, जो आज मैं क्या करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि आज जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं आज दे डालूँ। तो चलिए, सुबह का समय है, मैं तो उठ गया हूँ, और लेकिन सारा कुछ बेतरतीब पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उसको संभालना पड़ेगा। बेटर हाफ का कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज चलता है, तो सुबह उठ के वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है, ये उनका ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ओम करती हैं, साथ में कुछ थोड़ा सा प्राणायाम करती है। इसे बेटर फॉर हेल्थ लिविंग। मेरे घर के साथ सटा हुआ खिड़की के पास ही एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, ये सुबह सुबह के वक्त या दूसरे वक्त भी बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ कर बैठती है। सामने की खिड़की से ये जो मंदिर दिखता है, इसमें शिव भगवान है, राम सीता है, बजरंग बली है, काली माता है और कृष्ण भगवान भी है। जस्ट इस मंदिर के बगल में शनि भगवान का भी मंदिर है, तो सुबह उठते ही हम खिड़की खोलते ही पहले इस मंदिर को प्रणाम कर लेते हैं। चलिए, वेट को जरा मैं संभाल के रख दूँ, इसको संभाल के जहाँ रखना है उसको रख दूँ। मेरा पहला काम सुबह का ही होता है, अगर मैं ये जमीन पर बेड बनाकर सो गया तो मेरा पहला काम यही होगा। ये किचन पोर्शन का खिड़की मेरी बेटर आप खोल रही है। असल में क्या होता है, रात में हम लोग इस खिड़की को बंद कर देते हैं क्योंकि चूहे वगैरह घुस जाते हैं अंदर, तो उधर सारे सामानों को ये काट कूट के बर्बाद कर देते हैं, ये चूहे बर्बाद कर देते हैं। तो ये खिड़की खोल सुबह का पहला काम होता है, खिड़की खोलना मेरे बेटर आपका। ये खिड़की के पास कुछ पौधे रखे हुए होते हैं फॉर दी बेटर वाइब, तो उनको भी सजा कर उनको रखना पड़ता है फिर से जगह पर, मतलब खिड़की के पास वो लगाती हैं तो कुछ साफ सफाई भी हो जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त में तो करना ही पड़ता है। कुछ साफ सफाई करने के बाद वो ब्रेकफास्ट बनाएंगी, तो हम फिर ब्रेकफास्ट के लिए बैठेंगे, ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेड बटर और ये काढ़ा बन रहा है, और ये काढ़ा बन रहा है, इसके बाद चाय बनेगी। तो ये ब्रेड, वैसे हम बहुत साधारण ब्रेकफास्ट करते हैं, और रोटी सब्जी या फिर रोटी के साथ अगर मुझे बोर्नवीटा देते हैं तो रोटी बोर्नवीटा में डुबा कर मैं खाता हूँ। तो ये मेरी बेटर हाफ आज ब्रेड बटर बना रही है, रोटी सेक कर उसमें जस्ट मक्खन डालकर, इस उम्र में तो मक्खन खाते नहीं है, फिर थोड़ा सा घी मक्खन थोड़ा सा खा लेते हैं कभी कभी मन करता है, तो आज थोड़ा मन था तो खा रहे हैं। तो वो बना रही है आज ब्रेड बटर, और साथ में इनका काढ़ा बन रहा है। काढ़ा तो अभी के मौसम में काढ़ा तो सबको पीना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सभी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बेटर हाफ उनको डायबिटीज़ शुगर का, उनको शुगर है, मतलब वो शुगर का पेशेंट है, तो वो उनको रोज़ सुबह दवाई लेनी पड़ती है, वो दवाई ले रही है। तो मेरा कहना है कि आप ऐसा कुछ करो कि आपको एक्सरसाइज करो, कुछ वर्जिश करो तो दिन में, तो आपको ये शुगर या फिर डायबिटीज़ नहीं लगे। तो ये मेरे साथ में मेरी बेटर आपके साथ में जो खड़ी है वो मेरी बच्ची की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मेरी मेरा डोमेस्टिक हेल्प है, मेरी बीवी की डोमेस्टिक हेल्प है, मेरे घर में आती है। तो इसका नाम शोभा है, तो मेरे घर के कामों में हार्ट बताती है, सी इज़ माई डोमेस्टिक हेल्प, ए लॉट ऑफ हेल्प वी नॉर्मली गेट फ्रॉम हर। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं, जाए काच कर अर की। तो बताया, जैसे मैंने बताया कि नाश्ता बहुत साधारण है, इट्स वेरी ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट वी आर गोइंग टू टेक टुडे। ये बताया मैंने, ब्रेड और बटर लगा हुआ है, और मेरे लिए तो ये, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो कभी कभी नहीं तो ये मिल जाता है मुझे, बोर्नवीटा मिल जाता है। तो मेरी बीवी के लिए तो वो चाय पीती हैं, तो उनके लिए तो चाय बनी हुई होती है, तो आज वो तो चाय पीती हैं। काढ़ा उन्होंने चाय में एक अजीब नुस्खा बना रखा है, वो चाय के अंदर ही काढ़ा डाली हुई रहती है,
तो चाय में काढ़ा डालकर ये पीने का नुस्खा आप भी आजमा सकते और हैं। मैंने इसका बोनवीटा काढ़ा के अंदर ही उनका बोनवीटा डाल दिया ओ ये भी बात है, काढ़े के अंदर मैंने बोर्नवीटा के अंदर उन्होंने काढ़ा डाल रखा है। चलो फिर ये मस्त भी है, मई ब्रेकफास्ट अमी ब्रेकफास्ट। तो यह शुरू कर दिया मैंने अपना नाश्ता, ये जो साधारण सा नाश्ता है वेरी ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट, वी आर नॉट हाई फाई पीपल, जो मिल जाता है खा लेते हैं। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे। खेल चले जाने के बाद मेरा काम ये होता है इसको सही जगह पर रखना, नहीं तो ये सामान इधर उधर पड़ा रहता है। ये चावल का ड्रम है, इसको यहाँ पर सही से टिका के रखना पड़ता है। ये मेरा ही काम, मैं अपने वेटर हाफ को ये काम, नहीं तो चावल का ड्रम सही पर रख दिया और इसमें कुछ हंडिया कुछ पतीले है इसको मैं सही जगह पर रखता हूँ। और इन टोकरियों को भी लगाओ भाई सही जगह पर। चलो मैंने सामान सारा फिक्स कर दिया, मेरा काम खत्म। भाई किचन में तरबूज कट रहा है, मेरी बेटा रात तरबूज काट रही है, देखो लाल लाल अंदर पूरा लाल है, उसके साथ साथ खाना भी पक रहा है। क्या पक रहा है खाना? वो तो शायद फिश बन रहा है, जब हम खाना खाएंगे दोपहर में तो मैं दिखा हम लोग दिखा देंगे आपको क्या एक्चुअली खाना में पक रहा है। एकदम लाल है, बहुत बढ़िया लाल है तरबूज के अंदर। तो अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं हम लोग, ये ज़मीन पर ही खाते हैं, ज़मीन पर बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आराम से पलथी मार के खाना खा रहे हैं। उधर मेरी बेटर हाफ सर्व कर रही है, तो खाने में कुछ खास नहीं बनते, एकदम साधारण खाना जैसे आम आदमी खाते हैं, हम भी वैसा ही खाते हैं। ये खाने में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दाल है देखिए, ये दाल है, ये फिश है, मैं फिश क्यों बोल रहा हूँ यार, ये तो मछली मैं बोलना चाहिए, ये मछली है। और ऑफ कोर्स ये चावल, चावल साथ में है, ये मेरी बेटरा की थाली है का चावल, और साथ में तो बहुत ही साधारण खाना। मैं अभी तक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, मेरा एक न्यूज़ चैनल है उसी का मैं काम कर रहा था, कुछ न्यूज़ को एडिट कर रहा था। तो चलिए मेरे अभी 9 बज गए हैं, 9:41 बज रहे हैं, तो मेरे खाने का वक्त हो गया, डिनर करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत काम है उसको करके सोने जाना है और क्या। खाने के लिए मैं बैठ गया हूँ, वही ज़मीन पर बैठना जो मुझे बहुत ही पसंद है, डाइनिंग टेबल पर मैं खाता ही नहीं हूँ, जब भी खाता हूँ, जब भी हम दोनों खाते हैं तो ये ज़मीन पर बैठ कर ही पालथी मार कर ही आराम से खाते हैं, एकदम साधारण हिसाब, एकदम खाने में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एकदम साधारण तरीके से घर में खाना। तो क्या है भाई खाना में आपने क्या बनाया? देखिए मेरा तो तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए सुबह ने जो खाना पकाया दाल मछली वही है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने रात को ठीक से खाना नहीं पका सकी, इसलिए राइस है और सुबह का जो मछली हुई है और दाल है, बस तबीयत खराब होने के वजह से आज ठीक से आप लोगों के साथ मैंने बात नहीं किया, तो जब ठीक हो जाऊंगी तब आप लोगों के साथ मैंने बात करूंगी। चलो ये भी उन्होंने कह दिया कि जब अच्छी हो जाएंगी तो आप लोगों से अच्छी तरह से बात करेगी। तो थोड़ा सा काम बचा है, ये जगों में पानी भर लेता हूँ, क्योंकि रात में जब पानी लोग पीते हैं तो ये जग में पानी चाहिए, तो ये जगों में मैं पानी भर के रख दूंगा, उसके बाद सोने का काम। इतनी देर तक मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।